हेलो, अभी मैं आपको नपुंसकत्व, साइकोजेनिक इंपोर्टेंस, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इसके बारे में बताने वाला। एक लड़का मेरे चैम्बर में रात को 8:30-9 बजे बहुत ही डरते आया। बोले मैं आपको मतलब मिलना चाहता था, काफी दिन से 2-4 दिन से मैं चक्रा काट रहा हूँ, अभी आज मिल रहा हूँ। तो पूछा क्या हुआ? बोले मेरी शादी 1 महीना पहले हुई और अभी तक मैं एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ संभोग करने में, समागम करने में एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है बेटो, उसको बिठाया, उसे पूरी जानकारी ले ली और जानकारी लेके जब तपास लिया तो मुझे पता लगा कि भाई इसमें कोई शारीरिक कोई इसमें कमी नहीं है। जो कमी थी मतलब जो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, इरेक्शन नहीं हो रहा था, शिश्न में ताटरता नहीं आ रही थी, मैंने टेंशन नहीं आ रहा था, उसकी वजह उसका दिमाग है। तो उसको तपास के उसको मैंने काउंसिलिंग किया, तो उसके बारे में आपको बताता हूं कि ये है क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस या नपुंसकत्व। जिनको शिश्न में टेंशन नहीं आता है ना, तो उसको नपुंसकत्व बोलते, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या साइकोजेनिक इम्पोर्टेंस बोलते। 40 साल के पहले यदि वो वैसा होता है पहली बार, 40 साल के पहले, उम्र के 40 साल के पहले, तो वो दिमाग के मतलब सोच की वजह से या मन की वजह से हो सकता है। 40 साल के बाद में यदि कोई मेरे पास व्यक्ति आता है तो मैंने ये देखना चाहिए कि भाई ये जो नपुंसकत्व उसको आया हुआ है इसका कोई शारीरिक मतलब बदन को कोई कारण है। मतलब 40 साल के पहले होता है तो मन का कारण, मोटा मोटा सा हिसाब मैं आपको देता हूं, और 40 साल के बाद में यदि होता है तो शरीर का। अभी मन के कारण क्या होते कि भाई जिसकी वजह से उसको शिश्न में टेंशन नहीं आता, इसमें क्या कारण हो सकते? तो एक तो होता है कि जैसा पहले नाइट में वो अनसक्सेसफुल हुआ करके उसको टेंशन आ गया, तो पहला नाइट में अनसक्सेसफुल होना, फिर मास्टरबेशन की आदत है, हस्तमैथुन की आदत है और वो आदत से उसको दिमाग में पक्का बैठा है कि अपन कमजोर हुए हैं, या सपने में उसका मतलब सपनावस्था हो रही है और वेट ड्रीम्स उसको आ रहे हैं और उसके वजह से उसको नपुंसकत्व आ सकता है, या फिर वो कहीं वेश्या के पास में जाता है और वहां जाने के बाद में टेंशन की वजह से दिमाग में तनाव आने की वजह से वो कर नहीं पाता और उसको वो कुछ तो भी कॉमेंट पास कर देती है कि तू आदमी में नहीं है, और फिर वहां से उसको दिमाग में टेंशन आता है। तो ऐसे कुछ दिमाग में टेंशन आने की वजह से या एक आधी बार कहीं कॉन्टेक्ट आया वहां फेल होने की वजह से, फिर उसको ये हो जाता कि नहीं अपन अभी काम के नहीं रहे और अपन अभी खुद पुरुष नहीं है या मैं आदमी में नहीं हूं, ऐसा उसको एक बार दिमाग में आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि सेक्स करने के समय यदि बच्चे एक ही कमरे में सोए और सेक्स करने के समय कोई बच्चा उड़ गया, उसको एकदम दिमाग में आता है और वो उसका टेंशन निकल जाता है और वहां से उसको फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर वैसे ही सेक्स करने के समय बाहर से कोई अंदर आया, घंटी बज गई, उठना पड़ा, या काफी लोगों के घर में प्राइवेसी नहीं रहती, एक ही कमरे में बीच में पर्दा रहता है और वो सेक्स करते हैं और उसमें फिर बच्चे उठ जाते हैं या फिर मतलब माँ बाप रहते हैं घर में वो उठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी होने के कारण उनको अलग होना पड़ता है और उसकी वजह से भी फिर बाद में सेक्स में मतलब होता नहीं है और टेंशन आता नहीं। तो ऐसे काफी सारे कारण है मानसिक रूप से कि जो जिसकी वजह से दिमाग में मतलब ऐसा घुस जाता है, एक विश्वास हो जाता है कि अभी अपन काम के नहीं रहे और फिर वहां से वो विशेष साइकिल में आया था कि अभी मैं इतना पुरुष में नहीं हूं, मैंने पौरुषत्व खत्म कर दिया है, फिर वो औरत के पास में जाता है और वो टेंशन लेके जब जाता है तो वहां फेल होता है, फेल होने के बाद में फिर उसका पूरा विश्वास जाता है कि अभी मैं आदमी में नहीं हूं, आदमी में नहीं हूं, मतलब ऐसा वो विशेष साइकिल में चले जाता है। तो ये 40 साल के पहले की मतलब अवस्था है। 40 साल के बाद में जो लोग आते हैं पहली बार, उनमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी हो जाए, मतलब जैसा पिट्यूटरी ट्यूमर रहता है, दिमाग में जो ग्रंथि रहती है उसका ट्यूमर है, या उनको कोई डायबिटीज हुआ है, या रीढ़ की हड्डी हड्डी में कुछ बीमारी हुई है, शुगर की बीमारी, जैसे मैंने डायबिटीज होना शुगर की बीमारी होती है, काफी शुगर बढ़ी हुई उसकी वजह से जो है वो टेंशन नहीं आता है, फिर ब्लड प्रेशर उच्च रक्तदाब, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो होता है, या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने से भी नपुंसकत्व आ सकता है। नपुंसकत्व जो आता है वो मतलब जो जो टेंशन आता है शिश्न में वो आता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ।
उसमें होता क्या है कि जैसा दिमाग में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब आता है दिमाग में मन में, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आने के बाद में यहां से जो नर्व जाती है और वो शिश्न की तरफ जाती है, वहां भी उसको एक्साइटमेंट आता है। और वहां होता क्या है कि ब्लड वेसल जो है तो वो ब्लड वेसल काफी फुल जाती है। ब्लड वेसल फुलने के बाद में कम से कम आधा पाव से लेके एक पाव खून शिश्न में प्रवेश करता है, उसमें एंट्री लेता है और वो बड़ा हो जाता है शिश्न। आधा पाव से एक पाव मतलब 150 ml से लेके 250 ml तक, मतलब उसमें खून अंदर घुसता है और बड़ा हो जाता है। अभी दिमाग में टेंशन है तो स्टिमुलेशन पीछे से जाएगा नहीं, या फिर मतलब जो खून की जो नलिका है उसमें कोई वो आकुंचन उसने पाया हुआ है या छोटी हुई है तो उस वजह से खून जाएगा नहीं शिश्न में और वहां से फिर उसको टेंशन आएगा नहीं। या फिर पीठ के हड्डी में मतलब कोई रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से फिर खून जा नहीं रहा है, या नर्व्स को मतलब नर्व्स को स्टिमुलेशन पास ऑन नहीं करती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे अनेक मतलब काफी कारण है कि बदन की मतलब बीमारी से उसकी वजह से तो वो फिर टेंशन आना बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ कुछ लोगों को ऐसा मेरे पास में आते हैं कि भाई मतलब वो आते कैसे कि मैं कर नहीं सकता हूँ, नपुंसकत्व हूँ, ऐसा प्रेजेंटेशन आता है कि मैं नपुंसकत्व हूँ आया हुआ है और मैं कर नहीं सकता हूँ। मतलब जब हम हिस्ट्री लेते तो मालूम पड़ता है कि वो रात में एक बार कर सकता है और दूसरी बार नहीं कर सकता। अभी कुछ लोगों को जितनी उतनी भूख है एक बार करने की तो दूसरी बार कैसे करेगा, पर वो सोचता है कि नहीं मेरे दोस्त जो है वो कोई चार बार कर सकता है रात में, कोई पांच बार कर सकता है तो मैं एक बार कर सकता, और वो टेंशन से फिर वो एक तो जो है वो भी निकल जाता टेंशन शिश्न का, या फिर उसके लिए आता कि नहीं एक बार कर सकता हूं मगर बार बार नहीं कर सकता। उल्टा औरतों में औरत कितने भी बार सेक्स कर सकती है क्योंकि उसको करना कुछ भी नहीं है, उसको कोई टेंशन लाने का नहीं है या कोई शिश्न बड़ा करने का नहीं है, तो वो औरत कितने भी बार कर सकती है। मगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यदि मेरी औरत को दो बार या चार बार संपर्क ना करूं तो वो समाधान उसको सुख नहीं मिलेगा और फिर उसका कहीं कांटेक्ट बाहर आ जाएगा, इसकी वजह से दिमाग में टेंशन आके फिर जो है वो भी निकल जाता है। तो ऐसे इस तरह की जो बीमारी है उसका भी इलाज मतलब देखना पड़ता है कि भाई क्या इलाज है, मतलब क्या क्या बीमारी है, तो भाई कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये टेंशन निकल गया, ब्रेन की बीमारी है या खून कि जो मतलब खून की जो वेसल्स है ना तो उसमें कोई बीमारी है, नर्व्स की बीमारी है कि मन की बीमारी है कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हम अक्सर इसका इलाज करने के लिए मियां बीवी पति पत्नी दोनों को बुलाता हूं मैं और दोनों को बुला के उनको काउंसिलिंग करता हूं कि भाई उनके मन में है क्या, कहां रुक गए, हुआ क्या, किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उनके जो मतलब मन में गलत फहमियां है वो निकालना है और जो भी कोई कारण है मानसिक रूप से वो कारण दूर करना पड़ता है और कारण दूर कर दिया तो फिर वो अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी उनको जो मतलब बीमारी है समझो कोई डायबिटीज शुगर है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका भी इलाज फिर ठीक ढंग से करना पड़ता है और वो इलाज किया तो फिर वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग शराब पीते हैं और शराब पीने की वजह से उनको परफॉर्मेंस जमता नहीं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीजेस द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। शराब से क्या होता है कि इच्छा बहुत ज्यादा होती है मगर काम नहीं कर सकते, काम पूर्ति नहीं होती, काम नहीं कर सकते, इरेक्शन नहीं होता, तो वो भी हम बोलते कि नहीं पहले शराब छोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, शुगर कंट्रोल में लाओ, ब्लड प्रेशर की दवाई है जो बदल के देखो, ऐसे ये कारण दूर करना पड़ता है। पति पत्नी को साथ में लेकर बैठ के उनको काउंसिलिंग श्री मास्टर ऑल्सो जॉनसन मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक करके है, वो टेक्निक से उनको हम काउंसिलिंग करते हैं। इसमें कुछ दवाइयां भी है, मतलब इसको यदि चिंता है तो मतलब टेंशन चिंता कम करने की दवाई देते हैं, यदि उसको डिप्रेशन है निराशा हताश हो गया है और डिप्रेशन की वजह से उसको नपुंसकत्व आया हुआ है तो डिप्रेशन का इलाज करना पड़ेगा। फिर उसको कोई गोलियां लेता है मानसिक बीमारियां जो है उसकी गोलियां खा रहा है या ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहा है तो गोलियां बदल के देना पड़ता है, तो या शुगर है तो शुगर की गोलियां बदल के दो या शुगर कंट्रोल में लाओ। कुछ कुछ ऐसी दवाई है कि जो दवाई देने के बाद में अभी सिल्डेनाफिल अभी जो आई हुई दवाई है बाजार में मार्केट में जो है वायग्रा के नाम से भी वो जानी जाती है, तो वो सिल्डेनाफिल जो गोली है उसके वजह से काफी सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, शिश्न में टेंशन आ जाता है
और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि वो गोली खाया तो हो जाएगा, उसके लिए भी गोली खाने के बाद में फोर प्ले करना, कामो क्रीड़ा करना, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करना जरूरी है, तभी शिश्न में टेंशन आए, तो वो भी दवा हम देते हैं। या फिर शिश्न में पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं, वैसा डायबिटीज का जैसा इंजेक्शन रहता है वैसा पेपेवरिन का इंजेक्शन देते हैं, छोटा सा रहता है, चीटी काटती है उतना दर्द हो जाता है, और वो इंजेक्शन दिया तो शिश्न में टेंशन आता है, तो भी लेकर उसका इलाज हो सकता है। ऐसे काफी सारे मतलब यह है, बाजार में ऐसी कोई भी दवा नहीं है कि जो लिया एक गोली लिया दो गोली लिया और एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो, ऐसी कोई भी सिक्स टॉनिक मार्केट में नहीं है, कोई दवा नहीं है, ना आयुर्वेदिक में नहीं है ना यूनानी में नहीं है। हमको बाजार में दवाई कौन सी मिलती है कि बड़ी बड़ी जैसा बैल का चित्र है, घोड़े का चित्र है, और कोई ऐसी जाहिरात हम देखते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। जो सिल्डन है फिर मैंने बताया, मैंने पेपेवरिन बताया, और जैसा डिप्रेशन के लिए एंग्जाइटी के लिए दवाई बताई है, और फिर उसका काउंसलिंग दोनों का करना, मैं अभी बुला के काउंसलिंग करना, ये करते हैं तो काफी सारा प्रॉब्लम हल होके वो सेक्सुअल लाइफ उनका मतलब काफी हद तक 100% अच्छा हो सकता है। उनको ये समझना जरूरी है कि 17, 18, 20 साल की उम्र में जितनी सेक्स की इच्छा रहती है तो उतनी इच्छा नेचुरली 40, 45 साल में होंगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती वैसे वैसे इच्छा कम होती जाती है, तो 40, 45 साल की उम्र में वो उन्हें देखना नहीं है, क्योंकि जब 20 साल का था तो मैं अच्छा कर सकता था, रोज एक बार कर सकता था, अभी तो बिल्कुल नहीं कर सक रहा हूं, तो इच्छा कम होती जाती है। हो सकता है कि 40, 45 साल की उम्र में वो हफ्ते में एक बार उसका कॉन्टेक्ट कर सकता है, या 50, 55 हो गया तो दो हफ्ते में एक बार कॉन्टेक्ट कर सकता है, तो वो भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो फिर वो लोग दिमाग में आते हैं कि नहीं अभी मैं जब कर रहा था 18-20 साल का था तो बहुत बार अच्छा हो रहा था, वो 18-20 साल की उम्र में क्या होता है कि नेचुरल भी इरेक्शन आता है, नेचुरल मतलब दिन में 2-4 बार या रात में काफी बार नेचुरल इरेक्शन आता है शिश्न में, तो वो भी हमारे पास में लोग आते हैं कि नहीं अभी है ना मैं आदमी में नहीं, तेरे को कैसा मालूम पड़ा आदमी में नहीं, तभी शादी हुई नहीं, बोलता नहीं नहीं अभी मेरा जो पहले इरेक्शन आता था, पहले जो बड़ा होता था नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो नहीं हो रहा है, तो दिमाग में सब कुछ है 100%। शादी के पहले भी कोई आता है ऐसे प्रॉब्लम लेके तो 100% वो नेचुरल है, सिर्फ दिमाग में कुछ ना कुछ बिठा के रखा है, एक विश्वास गलत फहमी बिठा के रखी, इसलिए ऐसा होता है। आपको इसमें कोई जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और लोगों को इसकी जानकारी दो ताकि लोग फंसे नहीं, क्योंकि इसमें आयुर्वेद यूनानी इसमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट, बहुत महंगे महंगे मलम है ना, पलंग तोड़ पान, काफी सारी दवाइयां 100-100 रुपए 150-150 रुपए की एक गोली ऐसी बेचे जाती है। तो मैं जो अभी बात किया तो इसका वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर काफी सारी जानकारी मैंने दी है उसको भी आप शेयर और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।